हाई गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप कैसे किसी भी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करके वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हो और एडसेंस की अर्निंग बढ़ा सकते हो। वो कैसे, मैं आपको लाइव से पीछे दिखाने वाला हूँ कि कौन से कंट्री में कितना मिल रहा है, जैसे कि यूके, यूएस एंड कनाडा। तो ऐसी बात है, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो, ये एचडी टूल मैंने ओपन कर रखा है और डैशबोर्ड यहाँ पे है। तो आपके केस में आप ऊबर सजेस्ट या गूगल कीवर्ड प्लानर कोई सा भी फ्री टूल इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपके नज़र में बेस्ट हो। तो कीवर्ड एक्सप्लोर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। तो देखिए, कीवर्ड सर्च करने से पहले आपको यहाँ पे कंट्री चेंज करना होगा, ठीक है, कि कौन सा कंट्री का ट्रैफिक आप टारगेट करना चाहते हैं। तो मैं कंट्री यहाँ से चूज करूँगा, पहला यूनाइटेड स्टेट। तो हम चलिए सर्च कर लेते हैं पहले यू यहाँ से टाइप करके कौन सा यूनाइटेड स्टेट है। तो ये आ गया। ओके, अब यहाँ पे हमें टाइप करना है आपके नीच से रिलेटेड कीवर्ड, ठीक है, कि कौन से टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं। तो आपको टाइप करना है, तो मेरा मान के चलो जैसे कि हैप्पी बर्थडे अब ब्यूटीफुल मेरा ये टॉपिक होगा, ठीक है। ये मैंने हालांकि पहले लिख रखा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा लाइव बाद में। तो सर्च किया मैंने और देख सकते हो अब कितना आता है यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी और ट्रैफिक दिखाऊंगा। तो कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे ओनली 6 बता रहा है और सर्च वॉल्यूम 31K, क्लिक्स 5.3K और सीपीसी 0.17। तो बहुत अच्छा सीपीसी, दो क्लिक में आपके $1 बन जाएंगे आराम से। तो चलिए देखते हैं कि SRP और भी कौन सा वेबसाइट फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है गूगल टॉप 10 पेजेस में। तो नीचे आते हैं हम यहाँ पे और दिखाता हूँ। तो देखिए, टारगेट होगा आपका, अगर इस कीवर्ड पे आप रैंक करेंगे तो आपका जितना भी ट्रैफिक पूरा का पूरा आएगा USA से, ठीक है, जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको, जैसे कि ट्रिपल, क्योंकि इसका डाटा पूरा एक्यूरेट होता है। मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको अभी। तो मैं इस वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है allboarding.com इस तरह से, और ये 4280 का ट्रैफिक ले रहा है पर मंथ का। यहाँ से देख सकते कीवर्ड कितना रैंकिंग है इनका, सब कुछ देख लिया आपने। चलिए मैं गूगल ओपन करता हूँ, मतलब गूगल USA का गूगल ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इस कीवर्ड को मैंने कॉपी किया और गूगल पर गया और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा गूगल USA, क्योंकि अभी करंट ये दुबई का देखा ओपन हो गया, यूनिट और इमारत लिखा है ना, तो अभी चेंज हो गया। अब USA का ओपन करूँगा तो हम USA का गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे इस कीवर्ड को पेस्ट करूँगा। तो देखिए, फर्स्ट वेबसाइट वही है allboarding.com, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था SRP ऑडियो में सेम। तो ये वेबसाइट रैंक हो रही है, ऐसे 5000 का ट्रैफिक आराम से मिल रहा है पर मंथ का, ठीक, और अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही होगी, तो समझ गए। तो ये पहला हो गया, देख लिया आपने। चलिए दूसरे कंट्री देखते हैं कि अब अगर हमें किसी और कंट्री का चाहिए ट्रैफिक, जैसे कि अब दिखाता हूँ मैं कनाडा। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कनाडा, ठीक है, तो कनाडा लिखते हैं और सेम कीवर्ड रहने देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सर्च वॉल्यूम 1.44K, 1,24K का है, ठीक है, और CPC बहुत हाई है यहाँ पे, $120 का मिल रहा है, देख सकते हो जैसा कि। तो कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे 43 हार्ड बता रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ देना, तो यहाँ पे सर्च करना होगा। वी ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड पे कितना कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो देख सकते हो हैप्पी बर्थडे, तो यहाँ से आपको फाइंड करना होगा जिसका CPC हाई होगा। तो अगर आपका मोटिव अर्निंग करना है, सिर्फ अर्निंग, तो यहाँ से चूज करें कोई हाई CPC वाला कीवर्ड। तो जैसा कि मैं दिखाता हूँ कौन सा कीवर्ड यहाँ पे हाई CPC है, जैसे कि नीचे आते हैं एक $1.90 का है, तो उसे छोड़ देते हैं। तो हैप्पी बर्थडे, जैसे कि देख, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी 5 to 10 हो या 20 हो, उस पर काम करें, क्योंकि मीडियम करना, इजी टू मीडियम, ठीक है, इसके बिटवीन आप काम करें तो आपका फ़ायदा होगा और ट्रैफिक भी मिलेगा। तो जैसे कि हैप्पी बर्थडे गिफ्ट मैंने क्लिक किया और इसका कीवर्ड डिफिकल्टी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना है। तो 22 मीडियम है, तो इस पर आप काम कर सकते हैं आसानी से, नो प्रॉब्लम। और सर्च वॉल्यूम 12K है और देखिए CPC 1.40 मिल रहा है, तो बहुत अच्छा CPC आपको यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, अगर आपको इस वेबसाइट पे 1000 पेज भी मिलते हैं और 20 या 25 क्लिक्स आते हैं, तो आराम से आपके यहाँ पे 10 to 20 डॉलर बिटवीन इतना बन जाएगा, ठीक है, 10 से 15 डॉलर इसके बीच रहेगा, बन जाएगा, क्योंकि CPC हाई मिलता है इन कंट्री में और एड भी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं इंडिया को एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में आपको 0.1 का ही CPC मिलता है और 0.10 मुश्किल से आ जाता है, तो ये बहुत कम है। आप चलिए नेक्स्ट कंट्री यहाँ पर टारगेट करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया और देखिए कीवर्ड डिफिकल्टी 43 है और CPC 80 है, तो ये भी अच्छा 0.80 की CPC मिलता है। और नीचे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको कीवर्ड फाइंड करना होगा व्यू ऑल पे क्लिक करके, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड डिफिकल्टी मेन होता है हमारा, ठीक है, जो अगर हम आर्टिकल कोई लिखना चाहते हैं तो कीवर्ड डिफिकल्टी देख के लिखना होता है हमें, जो कि 10 से लेकर 20 तक या 15 तक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आपको ढूंढना होगा, इनमें से ही निकालना होगा कि कौन सा टॉपिक आपको काम करना है। तो देखिए यहाँ पे हैप्पी बर्थडे गिफ्ट आ गया, हैप्पी बर्थडे मीमी, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, मीम्स वगैरह, तो देख सकते हो आप। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से कीवर्ड यहाँ पे बेस्ट रहेंगे आपके लिए। तो सर्च होने देते, जैसे ओपन होने देता हूँ मैं, हाई CPC वाले कीवर्ड दिखाऊंगा इस बार, ठीक है, जिसका CPC अप टू $2 होगा, वो वाला CPC मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा कीवर्ड है। तो नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे CPC किसका हाई है। ओके, ये वाला कीवर्ड है, मैंने ओपन कर लिया, देखो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे इमेजेस, ठीक है, $2.50 मिल रहा है, देखो यहाँ पे, समझ लो $10 मिला तो आपका $20 ज़्यादा हो जाएगा 10 क्लिक्स के ही। तो ये बहुत अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग में होगा आपको, देख सकते हो, अगर रैंक हुआ फर्स्ट पेज पे पूरा ट्रैफिक आएगा आपका
यूनाइटेड किंगडम से। चलिए नीचे देख लिया अभी इसका SRP ओवरव्यू, कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है। तो देखिए नॉर्मल ब्लॉग भी रैंक कर रहा है, जो लोग मेन मेन वेबसाइट है जैसे पिक्सबाय ये तो हो गई रैंक, उसके नीचे भी है नॉर्मल वेबसाइट जैसे कि हम लोग जैसे क्रिएट करते हैं ब्लॉगर, तो उनकी भी रैंक हो रही, तो अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा है। 500 भी ट्रैफिक मिले तो अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा आपका इस वेबसाइट पर। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन से नीच पे कौन से टॉपिक पर काम किया था। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट है happybuddyimage.com, जैसे कि आप जानते मैंने आपको बताया था, और इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है, देख सकते हैं हैप्पी बर्थडे विशेस इमेज एंड कॉट्स 2020। तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये बताइए कि कंटेंट कैसे लिखे, कॉपी राइट मतलब कॉपी करके लिखे या यूनिक बनाएं। तो मैं बताऊँ आपको, देखिए जो कंटेंट आप कॉपी करके लिख सकते हैं किसी दूसरे वेबसाइट, लेकिन आपको इमेजेस यहाँ पे अपना खुद का इस्तेमाल करना है यूनिक, जैसे कि ये इसमें एडिट करना होगा आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने एडिट करके देख सकते गूगल से डाउनलोड करके ये PNG इमेजेस पर लगा दिए, क्लिक लगा दिए, तो बस ये टेक्स्ट जो है ना कोट्स वगैरह कॉपी कर सकते हो अपना पढ़ाओ किसी भी वेबसाइट से, बट इमेज आपको पिक्सबाय से लेना है, उसे एडिट करना है, मॉडिफाई करना है और बस पब्लिश कर देना, दैट्स सिंपल काम है। ये लेजी ब्लॉगर के लिए बेस्ट रहेगा ये वेबसाइट इस तरह के, अगर चाहते हो तो बैठे बैठे अर्निंग होगी सोते सोते। ठीक है, ये ऑटो पायलट मोड में भी आप अर्निंग कर सकते हो इस वेबसाइट से, तो ये फायदेमंद है आपके लिए। तो मैंने ये बता दिया कि किस तरह से मैं यहाँ पे कंटेंट लिखता हूँ और फोटो वगैरह यहाँ पे यूनिक बनाता हूँ, समझ गए। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितने नंबर पर रैंक कर रही है, मैंने इस पर आर्टिकल लिखा था, रिसेंटली पब्लिश किया है, तो मैंने कुछ से कॉपी किया। ठीक है, तो वो मैं आपको गूगल में जाकर दिखाऊंगा। देखिए हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल यहाँ पर टाइप करता हूँ पहले, इसका जो मैंने लिखा है इसका क्या CPC कितना ट्रैफिक है ये भी दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं यूनाइटेड स्टेट का ट्रैफिक टारगेट करना चाहता था, इस कीवर्ड पे देख सकते हो हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल जो है इसका 6 है डिफिकल्टी और CPC बहुत अच्छा खासा है। तो देखिए यहाँ पर टॉप 10 लिस्ट में कौन कौन सी वेबसाइट रैंक हो रही है, तो मेरी वेबसाइट अभी यहाँ पे ऐड नहीं होगी क्योंकि मैंने रिसेंटली यहाँ पे पोस्ट पब्लिक किया था। ठीक है, अच्छी तरह से इंडेक्स नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अपडेट होने के बाद मेरा वेबसाइट 11 पे रैंक कर रहा है, टॉप 10 11 लिस्ट में, 10 पे नहीं है अभी, तो वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे जैसे अभी 11 पे है तो 10 पे आएगा, फिर 9 पे आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितने विजिट आपकी वेबसाइट पे आते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो ये बाउंस रेट वगैरह पर डिपेंड करता रहता है। तो क्वालिटी भी आप अच्छी लिखें, अच्छा बनाए, जैसे कि मैंने 2000 वर्ड से ज़्यादा का लिखा है यहाँ पे पोस्ट, तो दिखाता हूँ मैं। देखिए इस पूरा का पूरा टाइटल मैंने यहाँ टाइटल तो रिमूव कर दिया मैंने, जस्ट कीवर्ड है मेरा ये 2020 रिमूव कर दिया। तो देखिए कितने नंबर पर रैंक कर रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको नीचे आते, तो नेक्स्ट पेज पे मैं कर जाता हूँ अभी सेकंड पे, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये देख सकते हो 12 13 14, तो हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल विशेस इमेज एंड कोट्स 2020, तो 14 नंबर पर रैंक कर रही है। अगर ये फर्स्ट पेज पे आएगा तो अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन हालांकि अभी भी आ रहा है मुझे ट्रैफिक क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं। तो ये पूरा फुल टाइटल है और कीवर्ड भी मैंने आपको दिखा दिया, पेस्ट कर दिया कीवर्ड से मैंने किया, तो मेरा वेबसाइट यहाँ पे देखिए फुल टाइटल मैंने पेस्ट किया तो अभी 4 नंबर पर आ रहा है, सर 4 या 5 नंबर पर अभी रैंक हो रहा है, धीरे धीरे 4 पे आएगा 1 पे आएगा, तो ये टाइम लगता है थोड़ा ऊपर आने में इसको। अभी कीवर्ड में देखूँ मैं तो हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल विशेस इमेजेस इतना पे देखूँगा तो मेरा वेबसाइट भी 3rd नंबर पर पहुँच जाएगा या 2 नंबर पर आएगा। ठीक है, तो ये अभी इस पर रैंक नहीं कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर आएगा, मुझे इस पर इसके लिए थोड़ा बैकलिंक वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट तो है हाई क्वालिटी का बनाया है, बहुत अच्छा लिखा है, 2000 वर्ड का है, फिर भी मुझे इस पर थोड़ा बैकलिंक बनाना पड़ेगा और कुछ SEO करना, इस पोस्ट का बैकलिंक बनाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने, मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो आपसे अगले वीडियो में, थैंक्स वॉचिंग स्टूडियो एंड गुड बाय।